हाँ जी, आपसे आने से पहले बहुत सारी शेयर किया रेबीना जी, उन्होंने बताया कि बाइक राइडिंग उन्होंने आपको करते हुए देखा जी जी जी, आपके साथ की जर्नी को शेयर, आप कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? रेबीना और मेरी बारे में मत बोल और मेरी जो फ्रेंडशिप है बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है, और ये एक ऐसी फ्रेंड है कि हर एक सिचुएशन में मेरे लाइफ के हर एक मोड पे वो मेरे साथ खड़ी रही है। सेम रिचा, मैं पहले रेबीना का ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बारे में क्या कहूँ। जाने से पहले मैंने कोई प्रिपरेशन ज़्यादा की नहीं थी, ना ही मैंने एपिसोड्स देखे थे, लेकिन जाने से पहले मैं रेबीना को बहुत ब्रीफली मिल के गई थी। उसको भी पता नहीं था एग्जैक्टली क्या होने वाला है, लेकिन मैं बहुत रेबीना को इतना मिस किया, मैंने उसको वहाँ पे इतना मिस किया कि शी नोज़ मी सो वेल, वो इतना अच्छे से जानती है। और जब भी मुझे लगता था यहाँ पे कहीं मैं वीक पड़ रही हूँ, तो मैं हमेशा सोचती थी कि रेबीना के जो वर्ड्स होते थे ना मेरे लिए, तो हमेशा उसकी याद आती थी और भगवान को याद करते हो। हाँ, मैं रेबीना को याद कर रही थी, और हाँ कि क्यों मैं थोड़ा सा और इंस्पायर उससे बात करके और ज़्यादा वक्त बिता के जाना चाहिए था। आई टोल्ड हर यू कैनॉट चेंज योरसेल्फ, आप अपने आप को बदल तो सकते नहीं हो। और जैसे मैंने पहले ही बोला कि आई नो हर फॉर 10 years, और 10 साल किसी के साथ दोस्ती जब टिकती है, 10-12 साल में भी, तो तब बहुत अच्छे इंसान होते तो ही दोस्ती टिकती, नहीं तो झगड़ा हो जाता, ख़त्म हो जाती है सब कुछ। तो आई मीन इट इज़ दैट लॉन्ग अ फ्रेंडशिप। सो व्हेन आई डिड अ वोट अपील, पीपल वर आस्किंग ऑल्सो कि ये तो फेक है, पेड प्रमोशन है एंड ऑल। सो आई वुड लाइक टू से शी इज़ वन ऑफ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड इन बॉम्बे, ओल्डेस्ट। हम लोग मतलब उस टाइम पे सुपर स्ट्रगल करते थे साथ में, ट्रेन में सूरत जाते थे, मॉडलिंग करते थे, सुबह एक्शन क्लासेस जाते थे, डांस क्लासेस जाते थे, एंड गुरु एंड रेबीना इतने दे हैव लाइक बीन विथ मी फॉर ऑल दीज ईयर्स, और हमें एक दूसरों के बारे में, हमारे मूड्स के बारे में, रेबीना मुझे इतनी अच्छी से जानती है, और द पार्टी इज हर्स एंड शी इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू रिचा। थैंक यू रिचा की भी ना, जो ट्रेंड जो स्मिता ने सेट किया इन मराठी बिग बॉस, जो आप पूछ रहे थे कि बिग बॉस हैज सेट अ ट्रेंड दिस टाइम एंड ऑल, so I think it is because of her hard work, absolutely, and the way she carried it, but her hard work, not even her hard work. Hindi mein bol nahi raha, mujhe samajh mein nahi, mujhe jaan marathi samajh mein nahi aa raha. Oh, Kareena Manjaka Karnar,